हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्टडी। फ्रेंड्स, आरपीएफ ट्रेडमेंस का आपका 1 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट कंडक्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, उसके सभी क्वेश्चन जो है हमारे पास आ चुके हैं, तो जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो का पीडीएफ जिन लोगों को चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्रेंड, क्वेश्चन जो है जितने भी हमारे पास आए हैं वो 100% ओरिजिनल है, आप इन पर यहाँ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पर एग्जाम दे कर आए हैं वो लोग जो है एग्जाम यहाँ पर जो है देख सकते हैं, अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहली बार हमारे चैनल पर वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस लाल बटन को दबाकर, और दबाइएगा इस बेल आइकन को जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ की सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होती रहे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का हम टारगेट करते हैं 500 लाइक का। यदि आप सब लोग 500 लाइक यहाँ पर करते हैं तो हम आपको सेकंड शिफ्ट का भी यहाँ पर आपको एनालिसिस बहुत जल्दी देंगे, ठीक है। तो 500 लाइक जो है वो ज़्यादा नहीं है, आप फटाफट से यहाँ पर जो है जितने भी लोग देख रहे हैं तो लाइक तो वीडियो को कर ही दीजिए, ठीक है। और फ्रेंड्स, अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर और फेसबुक ग्रुप पर आपको वीडियो को जरूर शेयर करना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज यहाँ पर पूछे गए हैं। सो फ्रेंड्स, मैथ, रीजनिंग और कुछ जीएस के भी क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं, तो सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर एकदम मिक्स किया हुआ है, तो मैं आपको फटाफट एक एक क्वेश्चन का जो है वो सॉल्यूशन यहाँ पर करा देता हूँ। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार कर लेता है, उस आदमी की गति आपसे पूछा गया था किलोमीटर प्रति घंटा में। बहुत ही आसान सवाल था, सभी लोगों ने लगभग किया भी होगा, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं किया मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। फ्रेंड, बहुत ही आसान सवाल था, आपको इस प्रकार से कैसे करना है, देखिए दिया हुआ क्या है, आपका चौड़ी सड़क दे रखी है यानी कि दूरी दे रखी है 250 मीटर दे रखा है, टाइम दे रखा है आपको 75 सेकंड में दे रखा है, तो यानी कि मीटर पर सेकंड में आपका जो है यहाँ पर आने वाला है आंसर, ठीक है। हम जानते हैं फ्रेंड चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय होता है, तो दूरी आपका है 250 और समय कितना हो जाएगा आपका 75। आप इसको जो है वो काट दीजिए 25 से, 25 थी 75 और 25 दाई 250, ये हो गया आपका 10/3 हो गया। फ्रेंड, यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका चाल हो गया, ठीक है। लेकिन नहीं, चाल जो है आपका 10/3 जो आया है ये आपका मीटर पर सेकंड में है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में है। अब इसको जो है चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए, देखिए 10 मीटर है ना, तो और यहाँ पर है 10/3, तो मीटर को जो है आप यहाँ पर बनाइए किलोमीटर में, तो कितना हो जाएगा मीटर का, किलोमीटर जब आप बनाते हैं तब यहाँ पर कितना हो जाता है, देखिए 1000 किलोमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, ठीक है, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 10 मीटर बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1/100। तो कुल मिलाकर जो है आपको 10/3 से जो है वो गुणा कर देनी, तो सिंपली आपको 18/5 से जो है वो गुणा कर देनी है 10/3 को, आपका देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे 18/5 से, तो 5 × 2 = 10 और 3 × 6 = 18, 6 × 2 आपका कितना हो जाएगा 12, तो 12 किलोमीटर पर घंटा आपका जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था आपको ये भी। देखिए एक और क्वेश्चन था आपका, एक स्टूडेंट ने भेजा है 6.5/0.13, ये था आपका क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हम किस कैसे सॉल्व करते हैं, 6.5 0.13, क्या हम यहाँ से पॉइंट हटाने के बाद में ऊपर 100 से गुणा कर सकते हैं, 100 से गुणा कर सकते हैं। अब देखिए 10 यहाँ पर इससे कैंसिल हो जाएगा इस पॉइंट से, तो ऊपर हो जाएगा 650/ कितना हो जाएगा, 650/ हो जाएगा 13, 13 × 5 होते हैं 65 आपका, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 50, यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये जो है समझ में भी आया होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, वीडियो को जो है टारगेट आप मत भूलिएगा, 500 लाइक आपको जो है यहाँ पर करने हैं, 500 लाइक जो आपको जरूर कीजिएगा, तभी आपको जो यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का देखने को मिलेगा। मैं डेली एनालिसिस आपका लाऊंगा यदि आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तब। वीडियो को लाइक और शेयर और जरूर करते हैं, तो फ्रेंड मैं आपको डेली यहाँ पर जो है आपके लिए एनालिसिस किया करूँगा। देखिए एक है आपका, एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। देखिए यहाँ पर जो है क्या दिया हुआ है आपको, कुर्सी को बेचने पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है आपको 873 रुपये दिया हुआ है और 10% की हानि भी हो रही है। देखिए 873 रुपये का बेचने पर, ठीक है, हानि कितने की हो रही है, 10% की, यानी कि 90% का बच रहा है, ठीक है, और ये हो जाएगा ये, ठीक है। इक्वेशन आपका इस प्रकार से बन जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से काटेंगे, 9×9 = 81, 9×7 = 63, ठीक है, 97 की 10 से गुणा होगी तो ये जाएगा आपका 970।
970 आपका जो है वो राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा फ्रेंड, 970 जो है, 970 रुपये की उसका जो है क्रय मूल्य था कुर्सी का, उसके बाद उसको जो 10% की हानि हुई तो आपका इसमें जो है हानि हो गई 97 रुपये की, 97 रुपये की हानि होने के बाद में आपका जो है वो 873 रुपये का उसने जो है वो यहाँ पर बेच दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड बिल्कुल जो है सही, बहुत सारे इजी क्वेश्चन आए हुए हैं तो जिन्हें आप आसानी से यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था देखिए, एक फल विक्रेता ने 15 रुपये के 6 की दर से केले खरीदे, उसे 12 रुपये के 4 की दर से जो है वो बेच दिया गया, ठीक है, उसका लाभ या हानि प्रसर बताइए। तो अब इन क्वेश्चन में क्या करते हैं फ्रेंड, एक केले का जो है आप यहाँ पर मूल्य निकाल लेते हैं। देखिए 6 केले कितने थे, 15 के थे, एक केला कितना का हो गया 15/6 का, या फिर 5/2 का, ठीक है, सॉरी 3/5, 3/6, हाँ 5/2 का, यानी कि 2.5 रुपीज़ का हो गया एक केला आपका, सही है। एक केला खरीदा कितने का हमने, 2.5 रुपये का एक केला खरीदा। अब बेचा कितने हिसाब से, 4 केले हमने 12 के बेचे, एक केला कितने का बेचा हमने, तो ये हो गया 12/4, यानी कि आपका 3 रुपये का बेचा, यानी कि हमने 2.5 रुपये का खरीदा था, 3 रुपये का हमने बेच दिया, तो यानी कि हमने कितने रुपये का लाभ कमाया, 0.5 रुपये का लाभ कमाया, कितने पर, 2.5 पर, ठीक है। इनटू 100 कर दीजिए, परसेंट निकाल लीजिए, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, 5/25, अब 5 से 20 वाले से काट लीजिए, तो कुल मिलाकर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, 20%। 20% का जो है वो आपने लाभ कमाया यदि आपने इस प्रकार से जो है वो केले बेचे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, 1 घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा होता है। देखिए बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए थे यहाँ पर जो है, वो ट्रिकी बेस पे सवाल थे, बहुत ही आसान सवाल थे, ठीक है। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। देखिए आधे घंटे में जो है वो कितने मिनट होते हैं, 30 मिनट होते हैं, 30 मिनट होते हैं, तब आपका जो ये 1 मिनट और 10 सेकंड है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या हम 10 सेकंड को जो है वो 60 से भाग कर इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/6, ठीक है। तो 1+1/6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7/6, ठीक है। तो यानी कि ये पूछा गया है कि 7/6 जो है वो 30 का कितना प्रतिशत है, तो सिंपली क्वेश्चन आपका ये है, तो ये आप रखिए 7/6 गुणा 30 × 100, 10 से 0 काट दीजिए, ठीक है, ऊपर हो जाएगा 70 और नीचे हो जाएगा आपका 6 18 18 से आप यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए इसको, 18 से डिवाइड करेंगे, 18 × 36 × 72 लगभग यहाँ पर फ्रेंड देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका 4% के लगभग यहाँ पर समथिंग आ जाएगा, 3.9 समथिंग आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेना, 3.9 समथिंग आएगा मेरे हिसाब से, तो आप यहाँ पर जो है सॉल्व कर लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। फिर क्वेश्चन है फ्रेंड आपका यहाँ पर देखिए, कुछ वायु से रिलेटेड क्वेश्चन भी थे आपका, कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण जो है वो किसके द्वारा होता है। ऐच्छिक गतियों का निर्माण, जो मनुष्य अपनी इच्छा से गति करता है उसका जो है वह नियंत्रण होता है आपका सेरिब्रम के द्वारा होता है, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखिए एक और क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम जो है वो लार में पाया जाता है, कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो आपका लार में पाया जाता है। चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड आपका, एक खास कोड में रेल को ये लिखा जाए, टैप को ये लिखा जाए, तो उसी कोड में पेयर को क्या लिखा जाए। बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन था फ्रेंड आपका, एक जो है हमने स्टूडेंट ने भेजा है, बिल्कुल सेम एज, ठीक है। आपके यहाँ पर जो है ये जो नंबर्स हैं ये थोड़ा चेंज हो सकते हैं, बाकी आपका बिल्कुल सेम था, ठीक है, वर्ड दोनों सेम है आपका, रेल और टैप। यहाँ पर देखिए आर को क्या लिखा है हमने, 5 लिखा है, ए को क्या लिखा है, 7 लिखा है, आई को क्या लिखा है, 9 लिखा है, और एल को लिखा है 6, ठीक है, ऐसा ही इसमें करा है। अब इसका हम देख लेते हैं पेयर का, देखिए पेयर का स्पेलिंग है पी ए आई और आर बराबर, देखिए तो पी को हमने क्या लिखा है यहाँ पर, तीसरा वाला है, तो तीसरा वाला आपका यहाँ पर 4, ठीक है। दूसरा आता है बराबर ए, ए को लिखा है हमने यहाँ पर 7, तो 7। आई को हमने क्या लिखा है, आई यहाँ से देखिए, आई को लिखा है हमने 9, और आर को क्या लिखा है हमने, आर को लिखा है 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4795 इज योर राइट आंसर, पेयर को क्या लिखा जाएगा, 4795। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द EPRY से प्रत्येक अक्षरों को केवल एक शब्द का इस्तेमाल कर बनाए जा सकते हैं। देखिए मेरे हिसाब से फ्रेंड यहाँ पर जो है वो केवल एक ही शब्द यहाँ पर बनाया जा सकता है, वो आपका हो सकता है प्रे, ठीक है, प्रे आपका जो है वो शब्द हो सकता है, और दूसरा शब्द मैं यहाँ पर जो है इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई भी जो है यहाँ पर उससे अलावा शब्द नहीं बनेगा, ठीक है। बाकी यदि आप यहाँ पर बना सकते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रे हो जाएगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रे बनाया जा सकता है, इसका अर्थपूर्ण होता है, प्रे माना होता है प्रार्थना करना। चलिए एक और देखिए क्वेश्चन आपका, प्रत्येक शब्द में
अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए यूटीबी से कितने शब्द जो है यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, ठीक है, यूटीबी से कितने शब्द यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए तीन अंकों वाली संख्या आपको इस प्रकार देता है तो ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर आसान हो जाता है। देखिए यूटीबी से एक तो बनाया जा सकता है टब, ठीक है, और एक बनाया जा सकता है बट, बट और टब, तो कितने वर्ड हो गए यहाँ पर, यहाँ पर दो वर्ड हो गए फ्रेंड। यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेली, तो जिन लोगों का एग्जाम आने वाले समय वो ध्यान यहाँ पर देखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दो शब्द यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। चलिए एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं, जेड एक्स का पिता है परंतु वाई जो है वो जेड का पुत्र नहीं है। देखिए जेड जो है एक्स सॉरी जेड के जो है दो बच्चे हैं, एक एक्स और एक वाई, लेकिन जो है जेड एक्स का पिता है, ठीक है, परंतु वाई जो है वो जेड का पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है तो क्या होगा, पुत्री होगा, डेफिनेटली पुत्री होगा, ठीक है। तो वाई और जेड में क्या संबंध है, देखिए वाई और जेड में क्या संबंध है, पिता और पुत्री का संबंध है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा पिता और पुत्री का संबंध है वाई और जेड में। चलिए एक और क्वेश्चन है, यदि पुस्तक को घड़ी कहें, घड़ी को बैग, बैग को शब्द को, शब्द को खिड़की कहें, तो पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे। देखिए पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे, आपका पुस्तक ले जाने के लिए आमतौर पर हम बैग को प्रयुक्त करते हैं। अब बैग को यहाँ पर क्या लिखा गया है, शब्दकोश लिखा गया है, अब हम इस आगे हमको देखना ही नहीं है, हमें पता है कि शब्दकोश का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक कक्षा में शंकर ऊपर से 16वें स्थान पर और नीचे से 49वें स्थान पर है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। देखिए जब आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाए तब आपको क्या करना है कि ऊपर नीचे वाले दोनों अंक जोड़ने हैं, उनमें से एक घटा देना है, तो ये हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा, 65 माइनस एक हो जाएगा आपका 64, तो कक्षा में कुल जो है वो 64 बच्चे हैं। तो फ्रेंड ये थे आज के हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आपके आज वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। 1 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था, सेकंड शिफ्ट का जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन आएगा हम तुरंत आपको यहाँ पर जो है वो बता देंगे। सो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक करना, और आज का जो लाइक है 500 लाइक का, इसको जो है आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है, ठीक है, टारगेट को आप कंप्लीट कीजिएगा तभी आगे जो है आपको वीडियोस यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।